हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आफ्टर मैनी डेज वी विल बैक एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द प्लेनर स्ट्रक्चर। तो हमने हमारी स्ट्रक्चर जियोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियो ऐड किए हुए हैं रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल जियोलॉजी टॉपिक्स। ओके, जो भी मेन टॉपिक्स है उसमें फोल्ड है, फोल्ड है, अनकन्फर्मिटी है, जॉइंट्स है, आउटक्रॉप पैटर्न्स है, और ये सारे टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आपने वो सारे टॉपिक्स नहीं देखे हैं और आपको डाउट है तो आप फिर से देख सकते हैं, राइट। सो दो तीन टॉपिक और बाकी है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में, जैसे कि प्लेनर स्ट्रक्चर है जिसे हम फोलिएशन भी कहते हैं, राइट, और फिर लीनिएशन है, और उसके बाद में हम देखेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो ये तीन टॉपिक हमारे लेफ्ट आउट है, प्लेनर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। और उसके बाद में कुछ प्रैक्टिकल का नॉलेज होता है जिसके बारे में भी मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बताऊंगी, जैसे कि वी रूल है, ट्रू थिकनेस, वर्टिकल थिकनेस है, विड्थ ऑफ एन आउटक्रॉप है, तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, कमेंट्स करते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड आई होप आप ऐसे ही मुझे आगे सपोर्ट करते रहेंगे अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आएंगे तो, राइट। सो अभी फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते, हम शुरू करते हैं प्लेनर स्ट्रक्चर जिसे हम फोलिएशन भी कहते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम उसमें पढ़ेंगे रॉक क्लीवेज। सो व्हाट इज़ अ रॉक क्लीवेज? अ सेट ऑफ अ क्लोजली स्पेस प्लेनर पैरेलल सेकेंडरी फैब्रिक। एक ऐसा प्लेनर, प्लेनर मतलब जैसे ज़मीन होती है ना प्लेन, वैसी पैरेलल सेकेंडरी फैब्रिक, उसे प्राइमरी नहीं कहते हम क्योंकि वो प्लेनर और पैरेलल होता है, जिसकी वजह से उसे हम सेकेंडरी फैब्रिक एलिमेंट्स कहते हैं। और वो क्लोजली स्पेस होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली स्पेस होते हैं। तो जो भी पार्टिकल क्लोजली स्पेस होंगे, प्लेनर होंगे और पैरेलल होंगे, वो सेकेंडरी फैब्रिक एलिमेंट्स को हम रॉक क्लीवेज कहते हैं, जो हमें रॉक के ऊपर दिखती है, राइट। जो लंबी लंबी हमें दिखती है ना रॉक के ऊपर, उसे हम रॉक क्लीवेज कहते हैं। आई होप आपने, अगर जियोलॉजी आपका है मेन सब्जेक्ट, तो आपने प्रैक्टिकल्स में रॉक की क्लीवेज फाइंड आउट की होगी ना, वन सेट, टू सेट, थ्री सेट, एक्सेट्रा, राइट। इट डू नॉट कॉज अ पार्ट लॉस ऑफ कंसर्न कोहेशन इन द रॉक। द क्लीवेज रॉक जनरली शो अ टू टाइप ऑफ डोमेन स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या होता है, कोई हमें लॉस ऑफ कोहेशन नहीं दिखता है कि कई जगह पे बहुत सारा खड्डा हो गया, तो उसे हम क्लीवेज नहीं कहेंगे। हमें ज़रा सा स्क्रैच टाइप दिखेगा जिसे हम क्लीवेज कह सकते हैं, राइट। उसमें टू टाइप ऑफ डोमेन स्ट्रक्चर होते हैं क्लीवेज के। सो जो फर्स्ट है वो है क्लीवेज डोमेन और जो सेकेंड है वो है माइक्रोलिथन। तो कोई भी पूछता है आपको कि क्लीवेज के कौन से टू मेन डोमेन स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसमें फर्स्ट होगा क्लीवेज डोमेन एंड सेकेंड वॉज माइक्रोलिथन। इन फर्स्ट क्लीवेज डोमेन द ओरिजिनल फैब्रिक ऑफ रॉक अंडरगोज स्ट्रॉन्ग अल्ट्रेशन। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्ट्रेशन होगा जिसकी वजह से लेयर में हमें पर्टिकुलर यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखेगी, तो लेयर यूनिफॉर्म नहीं होगा। वो कई जगह पे ऊपर साइड से टॉप है वो थोड़ा ऊपर होगा, फिर उसका बॉटम थोड़ा नीचे होगा, जैसे पानी की लहर आती है तो कैसे आती है वैसे, राइट। तो उसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग अल्ट्रेशन हमें दिखाई देगा जिसे हम डिसजंक्टिव कह सकते हैं। ये मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है आपको, देखिए इसमें जो लेयर्स है वो यूनिफॉर्म नहीं दिख रही है। हाँ, एक दूसरे के यूनिफॉर्म है मगर वो पूरी स्ट्रेट नहीं है, राइट। तो उसमें स्ट्रॉन्ग अल्ट्रेशन देखने को मिलता है। सेकेंड वॉज माइक्रोलिथन द ओरिजिन फैब्रिक ऑफ रॉक अंडरगोज लिटल और नो अल्ट्रेशन। अब जब हम माइक्रोलिथन की बात करते हैं तो उसे हमें जो अल्ट्रेशन होता है उसमें हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, या तो हमें माइनर अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा या फिर नो अल्ट्रेशन, जिसे हम ग्रेन्यूलेशन भी कहते हैं। देखिए इसमें यूनिफॉर्म लेयर नहीं होगी एक दूसरे के रिलेटेड, राइट। उसमें क्या था, जो वन लेयर है उसकी ही जैसी दूसरी लेयर होती है, ठीक है, लेकिन माइक्रोलिथन में ऐसा नहीं होता है। इसमें थोड़ा अनयूनिफॉर्म स्ट्रक्चर दिखाई देता है और उसमें अल्ट्रेशन माइनर होता है या फिर नो अल्ट्रेशन, तो उसे हम माइक्रोलिथन्स कहते हैं। माइक्रोलिथन्स को हम क्लीवेज डोमेन भी कह सकते हैं, राइट।
क्लीवेज डोमेन भी कह सकते हैं, बस क्लीवेज डोमेन को हम माइक्रोलिथोन नहीं कह सकते, क्योंकि जो क्लीवेज डोमेन होता है पर्टिकुलर लेयर उसका यूनिफॉर्म रहता है, मगर माइक्रोलिथोन में ऐसा नहीं होता है। ओके, आई होप आपको ये दो टाइप समझ में आए होंगे। नाउ द क्लीवेज डोमेन सम टाइम डिस्क्राइब एज फिल्म, फोलिएशन और फोलिया और सीम्स। अभी क्लीवेज डोमेन है उसको कई बार हम फिल्म्स, फोलिया या फिर सीम्स भी कहते हैं। जब हम आगे पढ़ाई करेंगे MSc और PhD में तो ये सब हमें टर्म्स आएंगी। इट यूजुअली शो स्ट्रॉन्ग प्रीफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ मिनरल विच पैरेलल टू द क्लीवेज। जो क्लीवेज डोमेन होता है ना उसमें हमें परफेक्ट प्रीफर्ड ओरिएंटेशन दिखता है मिनरल्स का जो पैरेलल होते हैं क्लीवेज के। दे आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्लीवेज। हमने पहले क्या देखा, क्लीवेज डोमेन, ठीक है, तो उसके जो डोमेन स्ट्रक्चर होते हैं उसके टू टाइप्स देखे। अब हम क्लीवेज के टू टाइप्स देखेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। पहले जो देखा वो क्लीवेज डोमेन के टू टाइप्स देखे, अभी जो है वो टू मेन टाइप्स ऑफ क्लीवेज है। तो उसमें जो फर्स्ट है वो है कंटिन्यूअस और फ्लो क्लीवेज, एंड द सेकेंड वॉज फ्रैक्चर और स्पेस क्लीवेज। तो हम पहले फर्स्ट पढ़ेंगे कंटिन्यूअस और फ्लो क्लीवेज। द क्लीवेज डोमेन यूजुअली शो अ स्ट्रॉन्ग प्रीफर्ड मिनरल ओरिएंटेशन ऑफ मिनरल विच पैरेलल टू द क्लीवेज। तो किसी भी क्लीवेज डोमेन में हमें स्ट्रॉन्ग प्रीफर्ड ओरिएंटेशन दिखता है मिनरल का और वो पैरेलल है क्लीवेज के, तो उसे हम कंटिन्यूअस और फ्लो क्लीवेज कहेंगे। उसमें प्रीफर्ड ओरिएंटेशन है इसलिए तो वो कंटिन्यूअस है ना, और कंटिन्यूअस होगा तो ऐसा लगेगा ना कि फ्लो टाइप हो रहा है। जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया था कि पानी का फ्लो आता है तो कैसा हमें दिखता है शेप, सेम टू सेम वैसा। ओके, इसका एग्जांपल है सिस्टोसिटी, स्लेटी क्लीवेज। तो जो सिस्टोसिटी होती है सिस्टोस रोग में और स्लेटी क्लीवेज होती है स्लेट में, उसमें हमें यह क्लीवेज देखने को मिलेगी जिसमें जो मिनरल्स हैं। कभी भी आपने ऑब्जर्व किया है सिस्ट या स्लेट को, तो इन दोनों में हमें जो ओरिएंटेशन है मिनरल का वो प्रीफर्ड दिखता है। ऐसा नहीं है कि हमें एक मिनरल कहीं और दिखेगा तो दूसरा कहीं और, प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी दिखती है उसमें। और जो सेकेंड टाइप है, सेकेंड हमने देखा था फ्रैक्चर और स्पेस क्लीवेज। तो अभी ये फ्रैक्चर और स्पेस क्लीवेज क्या है? फर्स्ट जो हमने देखा उसमें क्या था, ओरिएंटेशन था परफेक्ट मिनरल्स का। तो अभी फ्रैक्चर और स्पेस क्लीवेज में क्या होगा? द क्लीवेज डोमेन कंसिस्ट ऑफ शार्प एंड एक्सट्रीमली थिन डिसकंटिन्यूटी। अभी जो क्लीवेज डोमेन है उसमें हमें शार्प और एक्सट्रीम थिन डिसकंटिन्यूटी दिखेगी अलॉन्ग लिटल और नो प्रीफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ मिनरल। सो उसमें कोई ओरिएंटेशन नहीं होने वाला मिनरल का। अगर दिखता भी है तो सम केसेस में हमें थोड़ा थोड़ा ओरिएंटेशन दिखेगा, लिटल और नो ओरिएंटेशन हमें दिखता है, राइट। और उसमें डिसकंटिन्यूटी हमें दिखती है जो शार्प होती है, शार्प और एक्सट्रीमली थिन डिसकंटिन्यूटी दिखती है अलॉन्ग टू दी प्रीफर्ड और नो ओरिएंटेशन ऑफ मिनरल। दिस क्लीवेज मे बी आइदर ग्रैन्युलेशन और डिसजंक्टिव क्लीवेज। अभी इसे ग्रैन्युलेशन या डिसजंक्टिव क्यों बोला है? क्योंकि इसमें कोई प्रीफर्ड ओरिएंटेशन है ही नहीं ना, यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसमें, राइट। ये देखिए इसका डायग्राम, कंटिन्यूअस क्लीवेज, ये कंटिन्यूअस क्लीवेज का है जो फर्स्ट टाइप था, है ना, उसमें यूनिफॉर्मिटी दिखती है थोड़ी हमको। तो ये तो हो गया क्लीवेज डोमेन स्ट्रक्चर के दो टाइप और मेन टाइप्स ऑफ क्लीवेज। तो दो और दो चार हमने पढ़े। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल रिलेशन विथ फोल्ड। अभी क्लीवेज का रिलेशन क्या है फोल्ड के साथ, हमें फोल्ड के रिलेशन में क्लीवेज को डिफाइन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? सो फर्स्ट है एक्सियल प्लेन क्लीवेज। कि एक्सियल प्लेन क्लीवेज क्या है चलो देखते हैं। रॉक क्लीवेज विच पैरेलल टू द एक्सियल ऑफ द फोल्ड कॉल्ड एक्सियल प्लेन क्लीवेज। सिंपल डेफिनेशन है, जो भी रॉक क्लीवेज पैरेलल है टू द एक्सियल प्लेन, फोल्ड के एक्सियल प्लेन की जो भी पैरेलल है उसे हम एक्सियल प्लेन क्लीवेज कहेंगे, राइट। तो हमें कोई क्लीवेज दिखी तो हमें चेक करना है कि वो रॉक के फोल्ड का जो एक्सियल प्लेन है उसके पैरेलल है या नहीं है। अगर है तो उसे हम एक्सियल प्लेन क्लीवेज कहेंगे। ओके, दे मे बी स्लेटी क्लीवेज, सिस्टोसिटी और ग्रैन्युलेशन क्लीवेज। अभी जो ये हमने एक्सियल प्लेन क्लीवेज देखी वो हमें स्लेट में भी दिख सकती है, सिस्ट में भी दिख सकती है, राइट, और उसे हम ग्रैन्युलेशन क्लीवेज भी कह सकते हैं। इन एरिया ऑफ सुपर इम्पोज
फोल्डिंग द S1, S2, S3 आर एक्सियल प्लेन क्लीवेज. कहीं भी कोई भी एरिया में सुपर इम्पोज फोल्डिंग होती है तो वहाँ पे कुछ एक्सियल प्लेन होते हैं अलग अलग रॉक्स के. सो फॉर एग्जांपल वहाँ पे 3 फॉल्ट्स है, ठीक है, तो उसमें एक्सियल प्लेन है S1, S2 एंड S3 विच डेवलप पैरेलल टू द F1, F2, F3 फोल्ड ऑफ एक्सियल प्लेन. तो वो जो थ्री S1, S2, S3 एक्सियल प्लेन है वो क्लीवेज है, ठीक है, एक्सियल प्लेन क्लीवेज. अभी एक्सियल प्लेन क्लीवेज है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, दे आर पैरेलल टू एक्सियल प्लेन. किसका एक्सियल प्लेन, फोल्ड का एक्सियल प्लेन. तो जो S1, S2, S3 एक्सियल प्लेन है वो पैरेलल हो गए टू द F1, F2, F3 फोल्ड ऑफ द एक्सियल प्लेन. सिंपल. द एक्सियल प्लेन क्लीवेज शो लोकल डेविएशन फ्रॉम ओरिएंटेशन ऑफ एक्सियल प्लेन ऑफ फोल्ड. अभी जो एक्सियल प्लेन क्लीवेज है वो थोड़ा हमें डेविएशन, थोड़ा क्या बोलते हैं हम, थोड़ा हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा, राइट, फ्रॉम ओरिएंटेशन ऑफ एक्सियल प्लेन ऑफ फोल्ड. जब भी हम कोई एक्सियल प्लेन के फोल्ड को देखेंगे, सो S1 को देखा, S2 को देखा, S3 को देखा, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो उन तीनों में दिखेगा ही हमें, इन द फॉर्म ऑफ क्लीवेज पैन और क्लीवेज रिफ्लेक्शन. और वो जो थोड़ा डिफ्लेक्शन डेरिवेशन हमें दिखता है उसे हम क्लीवेज पैन कहते हैं या फिर क्लीवेज रिफ्लेक्शन कहते हैं. ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्लीवेज पैन और क्लीवेज रिफ्लेक्शन आखिर है क्या, राइट. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट क्लीवेज पैन और क्लीवेज रिफ्लेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया था. तो ये हमें कब दिखता है, जब थोड़ा सा डेविएशन दिखता है हमें क्लीवेज प्लेन में, राइट, एक्सियल प्लेन क्लीवेज में डेविएशन दिखता है तो हमें वहाँ पे क्लीवेज पैन या क्लीवेज रिफ्लेक्शन मिल सकता है. अ सिस्टमेटिक चेंज इन एंगल बिटवीन द बेडिंग एंड क्लीवेज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द फोल्ड लेयर कॉल्ड क्लीवेज पैन. तो फोल्ड के अलग अलग पार्ट्स के ऊपर बेडिंग और क्लीवेज दोनों के बीच में जो एंगल हैं, सिस्टमेटिक चेंज का जो एंगल है कि बेडिंग और क्लीवेज उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस आया, कुछ चेंज आया, तो उसका जो एंगल होता है उन दोनों के बीच का उसे हम क्लीवेज पैन कहते हैं. सिंपल. कोई भी सिस्टमेटिक एंगल है, इन अ एंगल बिटवीन द बेडिंग एंड क्लीवेज, तो उन दोनों के बीच में कोई भी सिस्टमेटिक डिफरेंस का एंगल आता है ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द फोल्ड लेयर तो उसे हम क्लीवेज पैन कहते हैं. इट मे बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. वो कन्वर्जेंट भी हो सकता है यानी एक दूसरे के टूवर्ड्स, और डाइवर्जेंट भी हो सकता है एक दूसरे के अपोजिट. व्हेन कॉम्पिटेंट एंड इनकॉम्पिटेंट लेयर आर इंटरकलेटेड द बेडिंग क्लीवेज एंगल इज लार्ज इन कॉम्पिटेंट यूनिट. अभी पहले तो आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज़ अ कॉम्पिटेंट एंड इनकॉम्पिटेंट लेयर. ये मैंने पहले के वीडियो में समझाया तो हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट करवा देती हूँ. अभी कॉम्पिटेंट वो होते हैं जिसे हम स्ट्रेस अप्लाई करते ही वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ब्रिटल डिफॉर्मेशन फॉर्म करता है, जैसे कि क्वार्टजाइट, तो वो कॉम्पिटेंट लेयर हो गया. इनकॉम्पिटेंट में हम बात करते हैं जो स्ट्रेच आराम से हो जाता है, राइट, तो उसमें क्या हो जाता है, स्ट्रेस आराम से हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, वो टूटता नहीं है, जैसे कि शेल. सो उसमें क्या होता है, जब भी ये कॉम्पिटेंट और इनकॉम्पिटेंट लेयर इंटरकलेटेड होते हैं, सो द बेडिंग क्लीवेज एंगल इज़ लार्ज इन कॉम्पिटेंट यूनिट. सो बेडिंग क्लीवेज का जो एंगल होता है वो सबसे लार्ज कहाँ होगा, कॉम्पिटेंट यूनिट में, क्योंकि जो ब्रिटल डिफॉर्मेशन टेक प्लेस होगा वो कॉम्पिटेंट में होगा ना, इसीलिए तो एंगल वहाँ का लार्ज होगा, राइट. देन इनकॉम्पिटेंट यूनिट स्मॉल. सो इनकॉम्पिटेंट में जो एंगल है बेडिंग प्लेन क्लीवेज का वो स्मॉल होगा और कॉम्पिटेंट में लार्ज होगा. दिस चेंज ऑफ द एंगल कॉल क्लीवेज रिफ्लेक्शन. सिंपल. ये जो एंगल में चेंज आया कॉम्पिटेंट और इनकॉम्पिटेंट में उसे हम कहते हैं क्लीवेज रिफ्लेक्शन, क्योंकि क्लीवेज का रिफ्लेक्शन हुआ. कई जगह पे ज़्यादा एंगल है तो कई जगह पे कम एंगल है बेडिंग प्लेन क्लीवेज के बीच में, राइट. व्हेन एन एक्सियल प्लेन क्लीवेज एंड अ बेडिंग फैसिलिटी बोथ आर प्रोमिनेंट देन रॉक हैज टेंडेंसी टू ब्रेक अप. अभी एक्सियल प्लेन क्लीवेज है, ठीक है, और बेडिंग प्लेन क्लीवेज है, उन दोनों की फैसिलिटी प्रोमिनेंट है, बहुत ही ज़्यादा है, तो रॉक क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा. सो रॉक हैज़ अ टेंडेंसी टू ब्रेक अप अलॉन्ग एट फ्रेगमेंट्स सब पैरेलल टू द फोल्ड एक्सिस. तो रॉक है वो टूट जाएगा पैरेलल टू फोल्ड एक्सिस. देन द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर नोन एज पेंसिल स्ट्रक्चर. और उसकी टूटने की वजह से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसे हम पेंसिल स्ट्रक्चर कहते हैं. सिंपल. क्या होता है क्लीवेज, एक्सियल प्लेन क्लीवेज और बेडिंग क्लीवेज,
दोनों प्रोमिनेंट हो जाते हैं, उसके बाद में रॉक टूटने लग जाता है, और जो रॉक टूटेगा उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम क्या कह देंगे, पेंसिल स्ट्रक्चर। अभी ये देखिए क्लीवेज पेन आपको दिखाया हुआ है, जो एंगल में डिफरेंस आ रहा था ना वो है क्लीवेज पेन। तो ये मैंने एंगल बताए हुए है, देखिए ऊपर की साइड पे उधर एंगल में डिफरेंट है, हर एक एंगल डिफरेंट होगा राइट। अब ये है क्लीवेज रिफ्लेक्शन, इसमें भी सेम एंगल डिफरेंट होते हैं, है ना। वेडिंग प्लेन क्लीवेज और एक्सियल प्लेन क्लीवेज के बीच के जो एंगल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं राइट। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, सिंपल है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, हल्का सा। नाउ ट्रांसेक्टेड क्लीवेज, अभी ट्रांसेक्टेड क्लीवेज क्या है, नाम तो सुना सुना लग रहा है लेकिन फिर भी पढ़ते आगे। दी क्लीवेज अकर एट डिस्टिंक्ट एंगल विद दी फोल्ड, जो क्लीवेज होती है वो अलग अलग एंगल पे फॉर्म होती है विद इन दी फोल्ड हिंज, एंड दी ट्रेस ऑफ द क्लीवेज फाउंड टू ट्रांसेक्टेड द फोल्ड हिंज। क्या होता है इसमें, द क्लीवेज अकर एट डिस्टिंक्ट एंगल विद इन द फोल्ड हिंज, फोल्ड हिंज के साथ साथ अलग अलग जगह पे अलग अलग एंगल के साथ क्लीवेज फॉर्म होती है राइट। एंड द ट्रेस ऑफ द क्लीवेज फाउंड टू ट्रांसेक्टेड द फोल्ड हिंज, और फोल्ड हिंज के ऊपर जो क्लीवेज होती है वो ट्रांसेक्टेड हुई हमें दिखती है। ट्रांसेक्टेड मतलब थोड़ी अलग जगह पर दिखती है, जहाँ पे फॉर्म होती है उधर से थोड़ी अलग जगह पे दूसरी जगह पे चली जाती है और फॉर्म होती है। दे आर नॉट पैरेलल टू द एक्सियल प्लेन, अभी ये जो ट्रांसेक्टेड क्लीवेज होती है वो पैरेलल नहीं होती क्योंकि उनका जो प्लेस है वो चेंज होता रहता है। सो दे आर नॉट पैरेलल टू द एक्सियल प्लेन, इट्स फॉर्म ड्यूरिंग सम स्टेज ऑफ फोल्डिंग, जब भी कोई फोल्डिंग होती है कोई टेरेन में तब ये ट्रांसेक्टेड क्लीवेज फॉर्म होती है, क्योंकि फोल्डिंग के वक्त क्या होता है, जो स्ट्रेटा होता है वो डिफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसका प्लेस चेंज हो जाता है और उसका ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो ट्रांजेक्टेड क्लीवेज फॉर्म होती है। ट्रांजेक्टेड मे बी क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज मैनर, या तो वो क्लॉक वाइज होगी या तो एंटी क्लॉक वाइज होगी, ये तो सबको पता ही है क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज क्या होता है राइट। सो ट्रांजेक्टेड क्लीवेज डेवलप व्हेन फोल्डिंग टेक प्लेस इन अ लेयर ऑब्लिक टू ऑल प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेन, जितना भी प्रिंसिपल स्ट्रेन लग रहा है एक जगह पे उसके ऑब्लिक परपेंडिकुलर ट्रांजेक्टेड क्लीवेज डेवलप होगी ड्यूरिंग दी फोल्डिंग। ओके, ट्रांजेक्टेड क्लीवेज इज नॉट रेयर फीचर, इज डेवलप इन मैनी रीजन, ये कोई नॉर्मल फीचर नहीं है कि एक जगह पे हो गया तो दूसरी जगह पे नहीं होगा राइट। तो ट्रांजेक्टेड क्या है, एक रेयर फीचर है जो हर एक जगह पे डेवलप होता है, क्योंकि फोल्डिंग हमारे बहुत सारे रीजन में होती रहती है, तो जहाँ पे भी फोल्डिंग होगी वहाँ पे ट्रांजेक्टेड क्लीवेज फॉर्म हो जाएगी। ये डायग्राम है ट्रांजेक्टेड क्लीवेज का, देखिए ये हिंज लाइन दिख रही है ऊपर की साइड आपको, उसके राइट साइड पे ट्रेस ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज के ट्रेसेस दिख रहे हैं, एक्सियल प्लेन की पैरेलल नहीं है राइट, ऑब्लिक है, और ये किसके ऑब्लिक है, जितना भी प्रिंसिपल स्ट्रेन लग रहा है उस ऑब्लिक है। ओके सिंपल, अभी बेडिंग प्लेन क्लीवेज देखते हैं, ट्रांजेक्टेड क्लीवेज देख ली, एक्सियल प्लेन क्लीवेज देख ली, अभी बेडिंग प्लेन क्लीवेज देखते हैं। इट इज़ पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, एक्सियल प्लेन क्लीवेज थी वो पैरेलल थी टू द एक्सियल प्लेन, तो सिंपल वैसे ही बेडिंग प्लेन क्लीवेज है वो पैरेलल होगी टू द बेडिंग प्लेन क्लीवेज, बेडिंग प्लेन के पैरेलल होगी, बट नाइदर ट्रांजेक्टेड नॉर एक्सियल प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एनी सिस्टम फोल्ड। ठीक है, वो किसके पैरेलल होगी, सिर्फ बेडिंग के, नॉट अ ट्रांजेक्टेड क्लीवेज या फिर ना कि एक्सियल प्लेन की पैरेलल होगी, सिर्फ वो बेडिंग प्लेन की पैरेलल होगी, सिंपल। देखिए ये डायग्राम में क्लीवेज पैरेलल टू दी बेडिंग, तो ये जितनी भी क्लीवेज दिख रही है, बेडिंग है ऊपर फिर नीचे क्लीवेज है फिर बेडिंग है फिर क्लीवेज है, पैरेलल है बेडिंग के राइट। अभी यूजेस ऑफ द एक्सियल प्लेन क्लीवेज इन ज्योमेट्रिकल एनालिसिस, तो कोई भी ज्योमेट्रिकल एनालिसिस होता है तो उसमें हमें एक्सियल प्लेन क्लीवेज कैसे काम लग सकती है, एक्सियल प्लेन क्लीवेज का काम क्या है वो हमें जानना है। सो उसमें फर्स्ट हम देखेंगे, वंस अ क्लीवेज ऑफ एन एरिया
identity as axial plane, then it helps to understanding the orientation of axial plane fold or entire area. कहीं भी कोई भी जगह पर हमें एक्सियल प्लेन क्लीवेज मिल जाती है तो वो हमें हेल्प करेगी फॉर अंडरस्टैंडिंग द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सियल प्लेन फोल्ड. जो भी एक्सियल प्लेन क्लीवेज मिलती है वहाँ के जो फोल्ड है उसे समझने के लिए हमें एक्सियल प्लेन क्लीवेज हेल्प करेगी, राइट. और उस एरिया को समझने के लिए भी एक्सियल प्लेन क्लीवेज हमें हेल्पफुल है. तो ये फर्स्ट यूज़ हो गया एक्सियल प्लेन क्लीवेज का. सेकेंड, द ट्रेस बेडिंग ऑन अ क्लीवेज सर्फेस इज़ अप्रॉक्स. जो बेडिंग होती है ऑन अ क्लीवेज सरफेस वो बहुत ज़्यादा होती है, राइट, पैरेलल टू द फोल्ड एक्सिस, जो फोल्ड एक्सिस की पैरेलल होती है. दिस इंटरसेक्शन लीनिएशन यूज टू डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ फोल्ड एक्सिस. इसमें भी फोल्ड एक्सिस का ओरिएंटेशन डिटरमाइन करने के लिए हमें ये क्लीवेज यूज होती है, राइट. वेयर द हिंज लाइन इज अनएक्सपोज. यहाँ पर हिंज लाइन एक्सपोज नहीं होती है जिसकी वजह से जो क्लीवेज सरफेस है उसके ऊपर बेडिंग अप्रॉक्स होगी. तो ये सेकेंड हमें यूज़ क्या होगा फोल्ड फॉर डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ फोल्ड एक्सिस. थर्ड है द एल्टीट्यूड ऑफ क्लीवेज टुगेदर विद पिच ऑफ द इंटरसेक्शन. द एल्टीट्यूड ऑफ क्लीवेज टुगेदर, जितना भी क्लीवेज का एल्टीट्यूड है वो एक साथ आ जाएगा विद द पिच ऑफ द इंटरसेक्शन लीनिएशन ऑन द क्लीवेज, जिसको हम पिच कहते हैं, ठीक है. ऑन द क्लीवेज सरफेस गिव अ फार आइडिया अबाउट ज्योमेट्री ऑफ द फोल्ड. तो ये जो पिच बनेगा उससे हमें पता चलेगा कि जो ज्योमेट्री है फोल्ड की वो कैसी है. तो हम मैंने ज्योमेट्रिकल टाइप्स भी बताए थे आपको फोल्ड्स के, तो वो इसी क्लीवेज के बेस पे क्या होते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं. फोल्ड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय टेकिंग एल्टीट्यूड ऑफ द क्लीवेज एंड द इंटरसेक्शन लीनिएशन. तो हमें जब भी कोई फोल्ड को आइडेंटिफाई करना होता है तो हमें क्लीवेज का एल्टीट्यूड देखना पड़ेगा और उसका इंटरसेक्शन लीनिएशन देखना पड़ेगा, राइट. द एवरेज ओरिएंटेशन ऑफ क्लीवेज गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द लार्ज स्केल फोल्ड. कोई भी ओरिएंटेशन होता है जो क्लीवेज का वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन देगा अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द लार्ज स्केल फोल्ड. तो कोई बड़ा सा लार्ज स्केल फोल्ड है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमें उसकी ज्योमेट्री चेक करनी पड़ेगी. और उसकी ज्योमेट्री का आइडिया हमें कहाँ से मिलेगा, सो एक्सियल प्लेन क्लीवेज से, राइट. तो ये तो हो गया ज्योमेट्री का आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोल्ड. अभी जो फोर्थ उसका यूज़ है क्लीवेज का वो है द बेडिंग एंड एक्सियल प्लेन क्लीवेज रिमेन एट अ राइट एंगल टू ईच अदर एट द हिंज ऑफ द फोल्ड. फोल्ड की हिंज पर कभी भी आप नोटिस करोगे कि वहाँ पे एक्सियल प्लेन या बेडिंग प्लेन क्लीवेज प्रेजेंट है तो ये दोनों क्लीवेज है ना वो राइट एंगल पे प्रेजेंट होगी और राइट एंगल टू ईच अदर, राइट. तो उन दोनों का एंगल है वो 90 डिग्री होगा एट अ हिंज, फोल्ड ऑफ द हिंज. तो जो हिंज है फोल्ड का उसके ऊपर क्या मिलेगा हमें, बेडिंग और एक्सियल प्लेन क्लीवेज एट अ राइट एंगल. दिस रिलेशन इज यूज टू लोकेट द हिंज जोन ऑफ द लार्ज स्केल फोल्ड. अभी कोई भी लार्ज स्केल फोल्ड हमें दिख गया, ठीक है, उसका हिंज हमें आइडेंटिफाई करना है, हमको पता नहीं है कि हिंज कैसे आइडेंटिफाई करें, तो सिंपली हम बेडिंग प्लेन क्लीवेज और एक्सियल प्लेन क्लीवेज का राइट एंगल देखेंगे. उन दोनों का राइट एंगल एक ही जगह पर कहाँ आ रहा है, वो होगा हिंज जोन, सिंपल. फिफ्थ यूज़ किया है द रिलेटिव स्टीप ऑफ बेडिंग एंड क्लीवेज यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉर्मल एंड ओवर टर्न लिम ऑफ द एंटीफॉर्म एंड सिनफॉर्म. अभी कोई भी एंटीफॉर्म और सिनफॉर्म फोल्ड है, ठीक है, द रिलेटिव स्टीप ऑफ बेडिंग. अभी जो बेडिंग की और क्लीवेज की जो रिलेटिव स्टिफनेस है वो हमें हेल्प करेगी टू डिटरमाइन द नॉर्मल एंड ओवरटर्न लिम. अभी नॉर्मल लिम कौन सा है, ओवरटर्न लिम कौन सा है, ये टर्म कहाँ से आए हैं, ये सब के लिए आपका जो पिछले जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए. नहीं है तो प्लीज़ आप पिछले वीडियो देख सकते हैं कि फोल्ड्स के टाइप्स कौन से हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा. ओवरटर्न क्या होता है, जिसका एक साइड का लिम्ब वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और उसके उसमें जो डीप अमाउंट है वो दोनों लिम्ब्स पे सेम नहीं होता है. ये सब मैंने बताया हुआ है पहले कि एंटीफॉर्म क्या होता है, सिनफॉर्म क्या होता है, एंटीक्लाइन क्या होता है, राइट. तो जो भी स्टिफनेस है बेडिंग और क्लीवेज की उन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो हमें यूज़ होगा टू आइडेंटिफाई नॉर्मल एंड ओवरटर्न लिम्ब्स ऑफ द फोल्ड. इन नॉर्मल लिम्ब द क्लीवेज इज स्टीपर देन बेडिंग.
एंड इन ओवरटर्न लिम द बेडिंग इज स्टीपर देन क्लीवेज। अगर हमें देखना है कि नॉर्मल फोल्ड नॉर्मल लिम कहाँ पे है फोल्ड का, राइट, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, क्लीवेज स्टीपर कहाँ पे है। जहाँ पे भी क्लीवेज स्टीपर होगी वो नॉर्मल फोल्ड होगा, और जहाँ पे भी बेडिंग स्टीपर होगी वहाँ ओवरटर्न फोल्ड होगा। सो एक हमने लिम लिया, उसके ऊपर क्लीवेज स्टीपर दिखी हमको, स्टीपर देन बेडिंग, तो वो नॉर्मल फोल्ड हो गया, नॉर्मल लिम हो गया। और कोई ओवरटर्न लिम दिखा तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, बेडिंग स्टीपर होगी, स्टीपर देन क्लीवेज। दिस कैन ऑल्सो फर्दर हेल्प टू अंडरस्टैंड स्टेटिग्राफिक सक्सेशन, और इससे हमें पता भी चल जाता है कि स्टेटिग्राफिक सक्सेशन स्ट्रेटा का कैसे हुआ होगा। ये मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है आपको, थोड़ा बड़ा है लेकिन सिंपल है, नॉर्मल लिम क्लीवेज स्टीपर देन बेडिंग। देखिए ये लेफ्ट साइड पे क्लीवेज रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको, और उसके ऊपर क्या है, क्लीवेज ट्रेसेस, क्लीवेज के ट्रेसेस दिख रहे हैं, बीच में हमारा फोल्ड एक्सिस आएगा। और राइट साइड पे हमें ओवरटर्न लिम दिखेगा, जहाँ पे बेडिंग है वो स्टीपर होगी मोर देन क्लीवेज। सो ओवरटर्न फोल्ड में बेडिंग है वो ज़्यादा स्टीपर होगी रेदर देन क्लीवेज। और लेफ्ट साइड पे है हमारा नॉर्मल लिम, जहाँ पे क्लीवेज स्टीपर होगी मोर देन बेडिंग। ओके, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रैन्युलेशन क्लीवेज। सो क्रैन्युलेशन क्लीवेज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।